थ्योरी। सो सेट जो है वो होता क्या है, वो देखते हैं। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स एक एक एंट्री है। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ये हर वर्ड का मतलब है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो है वो एक रूल होगा, ठीक है। कलेक्शन होना है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट को, एक ऑब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं करते, और हर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं सेट में, एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया ए ई आई ओ यू। एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर ऐसा बोले द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो हमें पता है इसे अगर सॉल्व करते हैं टू और थ्री तो ये पता है यही एलिमेंट्स आएंगे। मैं बोलूँ कोई और बोले अगर वो सही बोल रहा है तो यही एलिमेंट आने वाला है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स लेस देन टेन, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब लेकिन याद है हुआ बेस्ट प्लेयर, अब बेस्ट प्लेयर कौन डिसाइड करे, इसका कौन सा फिक्स रूल है। तो जहाँ कोई फिक्स रूल ना हो, इसका मतलब जहाँ कोई वेल डिफाइंड ना हो चीज, उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ जो एग्जांपल्स थे ये सारे सेट थे, बट ये सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर गुड स्टूडेंट्स ऑनेस्ट, ये सारे चीज़ के लिए कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। अगर यही मैं बोलता कि वो सारे बैट्समैन जिनका ओडीआई में 10,000 से ज़्यादा स्कोर है, रन है पूरा, तो वो हो जाता। तो एक नंबर से, एक रूल से अगर मैं डिफाइन कर पाता हूँ तो ही वो सेट कहलाता है। तो सेट के लिए तीन चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो कलेक्शन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट को हम दोबारा नहीं रखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। लाइक मैं अगर अलाहाबाद लिखूं, और इससे अगर मैं एक सेट बनाता हूं तो ए एल एच बी और डी और कुछ नहीं, तो एक चीज को हम रिपीट भी नहीं करते, ठीक है। अब तो सिंबल्स हैं जो हमें अभी जानना होगा, जो काम में आने वाले, तो आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। सो सिंबल्स क्या है कि ये सिंबल हो या फिर ये सिंबल हो, इसे हम कहेंगे सच दैट, इसे हम क्या कहेंगे सच दैट। इसके बाद आता है ऐसा बिलोंग्स टू या ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सिंबल है एंड का, ये सिंबल है और का, ये आता है हमारा इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, है ना। ये काम हम करेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ, विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी से लिखा जाता है, एन से नेचुरल नंबर, जेड और आई इंटीजर के लिए है, यहाँ अगर प्लस दे दे हम तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक वैसे ही आर के लिए रियल नंबर, आर प्लस दे देते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्यू प्लस दे देते हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऐसे नॉर्मली रैशनल नंबर सेट है। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड है एक, और पहला मेथड क्या है आपका रोस्टर मेथड। सो पहला मेथड हो गया रोस्टर और दूसरा है सेट बिल्डर। तो पहले रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, तो जो टेबल करके हम लिख देते हैं ना, अभी जैसा लिखा था मैंने, ये है आपका टेबुलर मेथड, ए ई आई ओ यू,
ठीक है। अब यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पांच एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स है ना, सेट ए में फाइव एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे दिखाया जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर दिखाया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ एट सेट ए, ए बार बार नहीं लिखते, थोड़ा नाम बदल लेते, सपोज बी, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, तो यहाँ सेवन एलिमेंट्स हैं, सो एन बी इज इक्वल टू सेवन, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट को क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम सेट को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे ए एट्स सच दैट एट्स इज एन इवन नंबर लेस देन टेन, मतलब ये क्या है, वो सारा इवन नंबर जो लेस देन टेन हो, लाइक अगर मैं इसको इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, टू फोर सिक्स एट और टेन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी तक जो पड़ा उस पर, लाइक ए है अपना टू फोर सिक्स एट, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये क्या है बिलोंग्स टू और ये है नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो दो सेवन क्या इसका एलिमेंट है क्या, नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू। सिक्स इसका एक एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू। एट है इसका एलिमेंट, बिलोंग्स टू। थ्री इसका एलिमेंट है या नहीं है, नहीं है ना इसमें, सो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। सो अदर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है बात। नाउ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब तो रोस्टर फॉर्म में इसे अगर लिखना हो तो एट्स सच दैट एट्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन फाइव। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है, वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, वन टू थ्री लेस देन फाइव, सो फोर्थ। नाउ एट्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन ट्वेंटी, सो एट्स इज अ प्राइम नंबर, एट्स क्या है प्राइम नंबर है टू, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, ये गलती मत करना आप, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, वन को ले लेते प्राइम नंबर में, वन प्राइम नंबर नहीं है, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस सेट का कार्डिनल नंबर बोल लूँ तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 1 से 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगर यही प्राइम नंबर्स लेस देन 100 होता, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 100, तो फिर उसका कार्डिनल नंबर क्या होता, यानी सिंपली अगर बोले तो 100 से लेस या टू डिजिट तक, वन डिजिट और टू डिजिट का मिला दे या लेस देन 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये जो है, राइट द सेट 1, 4, 9, 16 and 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर में ले जाना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा अपना, ए इज एक्स सच दैट और एक्स स्क्वायर, ए इज एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एंड एक्स इज लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स या लेस देन इक्वल टू फाइव भी लिख सकते थे, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट।
इसे हम या तो ऐसे दिखाते हैं या इस तरह, ये फाइव सिंबल से, ठीक है। नल सेट को या तो हम ऐसे दिखाते हैं या फाइव सिंबल से। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैं बोलूं नेचुरल नंबर्स, एच इज अ नेचुरल नंबर एंड एच इज इन बिटवीन टू एंड थ्री, सो टू एंड थ्री के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइंड भी है, ये कलेक्शन है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो ये सेट तो है, ये सेट तो है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एच सच दैट दिस बिलोंग्स टू, सो यहाँ ए एक सेट तो है, लेकिन ये क्या है, नल सेट है, इसका कोई एलिमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। लाइक ए में ऐसा लिख देता हूँ, एच सच दैट एच स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एच का सारा रियल सॉल्यूशन, तो कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो। यहाँ देखो आप, एच स्क्वायर आपका माइनस फोर हो जाएगा, और कभी भी किसी भी रियल नंबर के लिए आपका नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट जिसका कार्डिनल नंबर वन हो, या सिंपली कहें जिसमें एक एलिमेंट हो, लाइक ये हुआ आपका सिंगल टोन सेट। द नेचुरल नंबर्स बिटवीन फाइव एंड सेवन, फाइव और सेवन के बीच में कौन सा है, सिक्स, फाइव और सिक्स, फाइव से बड़ा, छः से छोटा, कौन सा, फाइव सेवन से छोटा, सेवन से लेसर, कौन सा, सिक्स, ठीक है। तो जहाँ एक एलिमेंट हो वो, द इंडियन कैप्टन हु वॉन T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड ICC चैंपियंस ट्रॉफी, एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, सिंगल टोन सेट है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, एक ऐसा चीज, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 300। सो इसके कार्डिनल नंबर, ये इसका अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, 3 से 300 तक है, इसका कार्डिनल नंबर हम निकाल पाएंगे, पता कर सकते। बट अगर मैं बोल दूं मल्टीपल ऑफ थ्री, बस मल्टीपल ऑफ थ्री बोल के छोड़ दूं, ये तो चलता चला जाएगा, मल्टीपल ऑफ थ्री। सो ये एक ऐसा सेट जिसका इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जिनमें, उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट, और जिनमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो उसे कहेंगे हम फाइनाइट सेट, ठीक है। जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हो, जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट ना हो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अब दो सेट्स होते हैं, अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब एक एट सेट है ABC और बी एट सेट है 1, 2, 3, तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, बहुत जगह पे ऐसे भी दिखाया जाता है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सो ए और बी क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इनका कार्डिनल नंबर सेम है, ठीक है। इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इक्विवेलेंट सेट दो बार लिखना हो गया, दूसरा यहाँ होगा इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर दोनों सेट का सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो और सेम एलिमेंट्स भी हो, ठीक है। जैसे ए जो है वो 1, 2, 3 है और बी 3, 2, 1, ठीक है। सो ए बी आपका 1, 2, 3, 3, 2, 1, सो सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के, तो सेम एलिमेंट्स होंगे जब, तो इसे क्या कहेंगे हम, इक्वल सेट्स, ठीक है। अब सेम एलिमेंट्स है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होना ही है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, सोच लो, ठीक है, फिर आगे देखो, देख मिला लो कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ, तो देखो
x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 3, इसका मतलब क्या होगा, x में 1 है, यहाँ 1 है और 2 है, ये है मेरा a, b वही है, c 3 और 1 है, यहाँ नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 यानी 1 और 3, इसका मतलब देखो आपका ये, ये सिंबल नहीं यूज कर सकते, ये c और d जो है वो इक्वल होगा, c इज इक्वल टू d और a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसका भी 3 है, सो एन ए इज इक्वल टू एन सी, सो ए इज इक्विवेलेंट टू सी, एंड यहाँ देखो ये भी 5 एलिमेंट्स, ये भी 5 एलिमेंट्स, सो एन बी इज इक्वल टू एन डी, सो बी इज इक्विवेलेंट टू डी, ठीक है, चल बढ़िया। सो अब ये जो टॉपिक है वो है सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कब बोलेंगे हम, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ एच बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू बी, अगर ए में है तो वो बी में होना ही है क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में आएगा, मतलब कैसा, ए एक सेट है, 2, 3, 4 और बी एक सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, जैसे अभी अगर मैं बोलूँ आपको वेस्ट बंगाल क्या है, सबसेट ऑफ इंडिया है, इंडिया क्या है, सबसेट ऑफ एशिया है, एशिया क्या है, सबसेट ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड अपना क्या है, अर्थ क्या है, सबसेट ऑफ मिल्की गैलेक्सी है, तो ऐसे सबसेट ऑफ बोल सकते हो, क्यों, ऑल द एलिमेंट्स ऑल द प्लेस, मतलब अपना पूरा इंडिया, एशिया को ही बिलोंग करते ना, पूरा एशिया एक पार्ट है, ठीक है, सो ये 2, 3, 4, ठीक है, ये पूरा ये क्या हो गया आपका सबसेट। अच्छा, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 2 तब हम लिखेंगे ये बिलोंग्स टू 2, 3, 4, ये बिलोंग्स टू होगा, सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू होगा, सबसेट नहीं। और कुछ बातें सबसेट के बारे में और जान लें कि सबसेट जो है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा आता है नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट जो है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट है, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और ये रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो आपको चिंता करना नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, and every set is subset of its universal set, subset of its universal set, ठीक है। तो सबसेट आता है ना, एक एक ऐसा सिंबल में सबको सभी कंफ्यूज होते हैं, ये कब यूज करें और ये कब यूज करें, ठीक है, दोनों सबसेट है क्या, दोनों सबसेट है, दोनों सबसेट का अलग तरीका है, एक तो नॉर्मल सबसेट बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर, सो ए इज अ सबसेट, ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब बोलेंगे ए तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, बट देयर इज एन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, ठीक है ना, सो ए में, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, बट बी में कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं है, जैसे कि ये हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है, सबसेट भी है बट प्रॉपर सबसेट है, लेकिन अब मान लो मैं यहाँ पे एक और सेट लिख देता बी, बी के बाद सी, जो सी लिख दिया मैंने, सी भी 2, 3, 4 है, सो नाउ ए इज सबसेट ऑफ सी, सी इज सबसेट ऑफ ए, दो इक्वल सेट है ना, सो ए इज सबसेट ऑफ सी, सी इज सबसेट ऑफ ए, यहां ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता, सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट मींस बी, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट,
और देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए विच इज नॉट इन ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ठीक है, नो देयर इज एन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए. और इस केस में इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. नाउ इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए. ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. ठीक है, सो नॉट एवरी टाइम इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी कैन नॉट से दैट B is superset of A. If and only if A is a proper subset of B, then only we can say B is a superset of A. Now, what is power set? पहले तो ये जानने हम लोग कि ये जो subsets हैं कितने होते हैं. किसी भी set का subset जो है वो 2 to the power n. ठीक है, n क्या है? कार्डिनल नंबर. तो अगर उसका 3 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 3 दैट इज 8. अगर आपका 4 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 4 दैट इज 16 सबसेट्स. ठीक है, 16 सबसेट्स हो जाएगा उसका. अगर 3 हो तो 8 सबसेट्स, 5 हुआ तो 32 सबसेट, 10 हुआ तो 1024 सबसेट्स. ठीक है, सो यहाँ पावर सेट फिर क्या होता है? सारा सबसेट लिख दे हम और उसको एक सेट के अंदर लिखे ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबसेट, पावर सेट. ठीक है, लाइक या मैंने अगर लिखा 1 2 3 1 2 ही है, 1 2 का मैं सारा सबसेट लिखता हूँ. तो 1 2 का सारा सबसेट, ये सेट ए है, इसका मैं पूरा सबसेट लिखूँ तो 5. अच्छा, 2 एलिमेंट्स तो 2 to the power 4, 4 सबसेट्स, 1 2 and 1 comma 2. This set is not, this is not a proper subset. These are proper subsets. This is power set of A. Power set of A. Now, state which of the following sets are finite sets and which are infinite sets. Which are finite and which are infinite. I'm writing F for finite and I for infinite. 1 2 3 4 200 200 तक जाएगा ना ये. सो ये क्या हो गया अपना, ये फाइनाइट है. नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा नेचुरल नंबर कितना हो सकता है? जितना मन उतना हो सकता है. ये जितना मन उतना हो सकता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो वो इनफाइनाइट होता है. लाइक रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, इनफाइनाइट. X belongs to natural number and X is less than 4. X less than 4 means finite. क्यों? X less than 4 अपने को पता है, natural number 0 के बाद 1 से शुरू हो जा रहा है, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे नहीं. तो अपना lower limit भी पता, upper limit भी पता, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म ये पता हो तो finite set. कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, बीच में कितना है वो भी पता होना चाहिए. ठीक है ना, ऐसा क्योंकि देखो आप 1 है 2 है, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर, तो कहाँ से शुरू 1 पता है, कहाँ तक खत्म 2 पता है, बट बीच में कितना वो नहीं पता, तो ये तीनों चीज़ पता हो जाए. ठीक है, सो जो जो एलिमेंट आएगा, जितना एलिमेंट आएगा वो अगर हम बोल सकते हैं तो वो होगा फाइनाइट सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, तो फाइनाइट सेट. नाउ एच इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एच इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर्स होता है? 26 होता है. तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना फाइनाइट सेट हो गया. ठीक है, नाउ राइट द पावर सेट ऑफ ए. जिस तरह से मैंने इसका पावर सेट लिखा है, आपको इसका पावर सेट लिखना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स. तो कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2 to the power n होता है, तो यहाँ 2 to the power 8 कर देंगे. सो कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स कितना हो जाए, 256. ठीक है ना, कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स 2 to the power 8 हो जाएगा, यानी 256. नाउ मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल्स, सबसेट और नॉट अ सबसेट. इसको कहते हैं नॉट अ सबसेट. सो 1 2 3 4
वन टू थ्री फोर, सो ये वन टू फोर, सॉरी वन टू फोर, वन टू थ्री फोर, तो ये सबसेट है। बी सी डी, तो बी तो है इसमें, डी भी है इसमें, सी नहीं है, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। नाउ एच इज अ होल, इज एन होल नंबर एंड एच इज एन नेचुरल नंबर, सो एच इज अ, दिस इज अ होल नंबर, इज नॉट अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, सो वी कैन ऑल्सो से दिस सेट इज, दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर सेट। इफ आई से दिस सेट इज ए एंड बी, नाउ ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज देयर इज वन एलिमेंट जीरो विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ए, सो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। Now make correct statements by filling symbols belongs to or does not belongs to. Okay. So A is a member of ABC. So this is, this belongs to ABC. P is not a member of this set. This does not belongs to. Now 2. There is no element like 2. There is an element 2, 3. Here we can say 2, 3. Belongs to this set, but this does not belongs to this set. अब हम थोड़ा operations on set देख लेते हैं, ठीक है? So operation में first operation है union of sets. Union of sets कैसे लिखा जाता है? A union B. A union B इसका मतलब क्या होता है? Either A or B or both. मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में है तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, अगर कोई एलिमेंट बी में है तो भी वो ए यूनियन बी में आ जाएगा, या फिर वो दोनों में है तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, इसीलिए से वो यूनियन बोलते हैं, ठीक है? और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? इंटरसेक्शन को पहले तो ऐसा लिखा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों में हो तभी लिया जाएगा, यूनियन किसी एक में भी हो तो आ जाएगा, ठीक है? तो उसको बोल सकते हैं एट लीस्ट वन, और इंटरसेक्शन मतलब बोथ, ठीक है? इस तरह देखते हैं क्वेश्चन, इफ 1, 3, 4, 5 यहाँ है और 2, 3, 5, 6 यूनियन, तो अगर वो ए में हुआ तो भी आ जाएगा, सो 1, 3, 4, 5 ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, 2, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेट में दोबारा तो एलिमेंट नहीं लिखते, 5 नहीं 6 नहीं, बाकी हम सारा एलिमेंट लिख देंगे ए और बी का, ठीक है? बाकी तो हम सारा एलिमेंट लिख देंगे ए और बी का, और अगर इंटरसेक्शन लिखना होगा यहीं पे, तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 3 दोनों में है, 5 दोनों में, तो समझ में आया, वो कोई भी एलिमेंट जो एटलीस्ट किसी एक में है वो यूनियन में आ जाएगा। देखो 1 ए में था, आ गया, ठीक है, 1 और ए में था तो हमने ले लिया उसको, 3 भी ए में था तो आ गया, 4 ए में था आ गया, 5 ए में था आ गया, 2 बी में था, 6 बी में था, सो ए यूनियन बी में अगर कोई है तो वो हो सकता है ए में हो सकता है वो बी में हो सकता है वो दोनों में हो, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो वो दोनों में ही होगा, ठीक है? अब जिनके, जिनमें यहां देखो आप कॉमन एलिमेंट्स था, ऐसे सेट्स को बोलते हैं जॉइंट सेट, जिनका कोई कॉमन एलिमेंट हो, बट जिनका कोई कॉमन एलिमेंट ना हो
उनको क्या बोलेंगे, जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, उसको क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे सेट स्टेट वेदर 2, 3, 5, 6 and 4, 3, 1 आर डिसजॉइंट सेट्स पूछा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, एक कॉमन एलिमेंट तो इनका है, यानी अगर मैं इसको ए सेट बोलूँ और इसको बोलूँ सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा 3, जो कि एक सिंगल टोन सेट है। बट हमें अगर डिसजॉइंट सेट चाहिए तो डिसजॉइंट सेट कैसा होता है, उसका इंटरसेक्शन पार्ट एम्प्टी सेट होता है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा, वैसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट। सो जॉइंट किसको बोलेंगे, जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट तब बोलेंगे, दो सेट्स डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, सॉरी उनका डिसजॉइंट तब कहते हैं जब उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट हो, और उसे जॉइंट सेट तब बोलेंगे जब उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, अगर सिंगल टोन सेट है तो वो तो एम्प्टी हुआ नहीं, अब नॉन एम्प्टी सेट है तो इसको हम क्या देंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं बोल सकते, ये जॉइंट सेट है, ठीक है। सो नो, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, प्रूफ करना है आपको। तो ऐसे प्रूफ्स में आपको पहले जो जो पार्ट है वो निकाल लो। सो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में बी देख लो क्या है, बी में है 2, 3, 5, 6 और यहाँ भी है 5, 6। सो 5 और 6 तो दोनों में था, अब इसका यूनियन होगा ए के साथ, ए के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इस सेट के साथ इस सेट का इंटरसेक्शन, ये दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन होगा इसका और इसका, ठीक है, सॉरी यूनियन होगा, तो अब हो गया ये 1, 2, 4, 5 और 6, ठीक है। सो 1, 2, 4, 5, 6 ये हो गया आपका इसका यूनियन, ठीक है, देख लो 1, 2, 4, 5 ये था, ये आ गया सीधा और यहाँ से 6 आ गया। अब इसको निकालने अगर हम ए यूनियन बी क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी अगर करते हैं हम तो ये दोनों यानी 1, 2 इधर से 3 है, 4, 5 और 6, ठीक है, और ए यूनियन सी कर लेते हैं, ए यूनियन सी क्या होगा 2, 3, 5, 6 और इधर से 4 आ जाएगा, सो 2, 3, 4 इधर है, 5, 6, 7 मिला लेना 2, 3, ठीक है ना, 2, 3, 5, 6 और इधर से 4 और 7 एक्स्ट्रा है। तो अब इन दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए 2 है ना, 2 आ रहा है यहाँ पे, 1 नहीं है क्या, ए यूनियन सी में 1 भी तो है, सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो ये सेट और ये सेट सेम है ना, इक्वल सेट्स है ना, तो इसे भी हम कहेंगे इक्वल, तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आइए। अब आते हैं एक और ऑपरेशन पे, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, सिंपली डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब होता है द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच इज नॉट इन बी। सीधा सा, जो जो चीज हम ए का सारा एलिमेंट लेंगे लेकिन अगर वो बी में है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है, बी में है तो उसको हटा देंगे, ए का जो जो एलिमेंट है वो हम ले लेंगे, इसको लिखते हैं ए माइनस बी, ऐसे लिखा जाता है ए माइनस बी, ठीक है, इसको लिखा जाता है ए माइनस बी। तो 1, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 1, 3, 4, 5 और बी है 2, 3, 5, 6, तो इसका ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी 1 है ना,
वन है ना ए में, बी में नहीं है इसलिए लिया, थ्री बी में है नहीं ले सकते, फोर बी में नहीं है तो ले लिया। अब चाहिए बी माइनस ए, अच्छा फोर लिया उसके बाद सिक्स नहीं देना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हम, हमें ए का ही एलिमेंट्स देना है। स्टेटमेंट को आप ठीक से पढ़ें, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, विच बिलोंग्स टू ए, तो ए वाला ही सारा एलिमेंट देना है, विच बिलोंग्स टू ए, इसको अच्छे से देख लो, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, बट नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए का सारा एलिमेंट, ए का कौन कौन सा एलिमेंट, वन है जो नहीं बिलोंग करता है बी को, फोर है जो नहीं बिलोंग करता है बी को, इसीलिए वन और फोर लिया हमने यहाँ पर। अब देखते हैं बी, अब बी माइनस ए लिखेंगे तो सीधा उल्टा बात, बी वो सारा एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो टू ए में नहीं है, ठीक है, थ्री ए में है, फाइव ए में है, ठीक है, सो यहाँ सिक्स, ठीक है ना। अब इन्हीं को आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे थोड़ा, तो इनका ही अगर ये दो सेट जो है ना ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये जो अभी हमने निकाला ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर इन दो सेट्स का हम यूनियन कर देना तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, इनके यूनियन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको सिंपल सा अगर समझना चाहे ना, तो वो सारा एलिमेंट जो किसी एक ही सेट में हो, ठीक है, वो सारा एलिमेंट जो किसी एक ही सेट में हो, या तो वो ए में हो या बी में हो, दोनों में ना हो, मतलब बात खत्म, समझ में आ रहा है, या तो वो ए में हो या बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, वही आता है सिमेट्री डिफरेंस में, क्योंकि हम ए माइनस बी लेंगे तो ए वाला आएगा, बी में जो कॉमन था ए बी का कॉमन वो हट गया, बी माइनस ए का भी वही बात, जो बी का ऐसा एलिमेंट जो बस बी में है, ए का वो सारा एलिमेंट जो बस ए में है वो ए माइनस बी में आया, तो इनका यूनियन कौन सा सेट आएगा, इनका यूनियन वो सेट आएगा जिसमें ओनली वन, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ओनली एलिमेंट्स फ्रॉम ओनली वन सेट, ए और बी दोनों से नहीं, ठीक है, जैसे देते हैं एक एग्जांपल, तो वन थ्री फोर सिक्स है, टू फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो इसका ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस बी क्या होगा, वो सारा एलिमेंट जो कि ए में है, वो सारा एलिमेंट जो कि ए में है पर बी में नहीं है, तो ए में कौन सा एलिमेंट है, वन है जो कि बी में नहीं है, ए में थ्री भी है जो कि बी में नहीं है, ए में आपका फोर है लेकिन वो बी में आ चुका है, सिक्स है ए में लेकिन वो बी में आ चुका है, तो ये बस दो ही एलिमेंट रह जाते हैं ए के जो बस ए में है बी में नहीं है। अब देखते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा, वो सारा एलिमेंट जो कि बी में है पर ए में नहीं है, बी में है पर ए में नहीं है, तो बी में कौन सा एलिमेंट है, बी में टू है, वो क्या ए में है, नहीं है, तो लिख देते हैं, अच्छा बी में फोर है लेकिन वो तो ए में आ चुका तो नहीं डाल सकते, बी में फिर इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, बी में इसके बाद है फाइव, बी में इसके बाद है फाइव जो कि ए में नहीं है, अब आता है बी में सिक्स जो कि ए में है, तो बी माइनस ए में तो वो नहीं आ सकता क्योंकि वो सारा एलिमेंट जो कि बी में है पर ए में नहीं आता हो, इसके बाद सिक्स, सिक्स जो है वो ए में आ चुका है तो हम नहीं लेंगे, इसके बाद आता है सेवन, ठीक है, तो बी का सारा एलिमेंट जो कि ए में नहीं था वो है टू फाइव सेवन, और ए का वो सारा एलिमेंट जो कि बी में नहीं था वो है वन थ्री, इनका यूनियन करेंगे तो सिमेट्री डिफरेंस होगा, सिमेट्री डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फाइव सेवन। अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू अप्रोच में कहीं आंसर लिख रहे हो ना, सीधा यहाँ से देखते जाओ कौन कौन सा एलिमेंट बस एक सेट में है वही लिख दो सिमेट्री डिफरेंस में, यहाँ वन वो इकलौता है बी में नहीं आ रहा है, यहाँ से थ्री बी में नहीं आ रहा है, यहाँ फोर और सिक्स ये इकलौता एलिमेंट नहीं है ये बी में भी हटा दो, टू इकलौता एलिमेंट है बी में नहीं जा रहा है ये एक ही सेट में है ये इसका सेट इकलौता है, फोर फोर जो है नहीं ले सकते क्योंकि वो ए में आ गया है, फाइव ठीक है और फिर सेवन, तो हमें क्या है अगर डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो इतना कुछ करने हैं, ये तीन स्टेप करने हैं, कोई ज़रूरत
है भी नहीं, हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पहले बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी कैलकुलेट करना है, फिर ए इंटरसेक्शन उसके साथ ले लेना है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट सिमेट्री डिफरेंस लिखूंगा, उतना निकालूंगा नहीं, बट आपको निकालना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ निकाला है। जब भी आप सब्जेक्टिव अप्रोच करोगे आपको सिमेट्री डिफरेंस ऐसे निकाल लेना पड़ेगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सिमेट्री डिफरेंस को। सो बी के संग सिमेट्री डिफरेंस जो है वो सी का क्या हो जाएगा, बी के संग सी का सिमेट्री डिफरेंस। सो टू जो है वो बस बी में है, सी में नहीं है। थ्री जो है वो बस बी में है, सी में नहीं है। और फाइव और सिक्स तो भाई इसमें आ चुका, ठीक है। अब इसका जो बचा हुआ एलिमेंट्स क्या था, वो था फोर और सेवन, ठीक है। इसका जो बचा हुआ एलिमेंट है फोर और सेवन, जो कि ए में नहीं है, सॉरी जो कि बी में नहीं है। तो बी सिमेट्री डिफरेंस सी हो गया। टू थ्री फाइव सिक्स हटा देते हैं और फोर और सेवन, ठीक है। इसके बाद ए के संग इसका इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, ठीक है। ए के संग इसका डिफरेंस निकाल रहे हम, तो ए के साथ इसका, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, सॉरी। सो बी सिमेट्री डिफरेंस सी का हम ये जो सेट है, अब सीधा हमको तो एक सेट मिल गया। सेट के संग सेट का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। सो टू है इधर भी, टू इधर भी, ठीक है। फोर यहाँ भी, फोर यहाँ भी। सो टू और फोर, सो टू और फोर ये हो गया, ठीक है ना, टू और फोर। ठीक है, अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी थोड़ा देख लेते हैं कॉमन पार्ट क्या क्या है ए और बी का। सो टू है ए में, टू बी में भी है, फाइव भी है ए और बी में। सो टू और फाइव हो गया अपना ए और बी में, ठीक है। टू और फाइव हो गया ना दोनों में, टू भी हो गया और फाइव भी हो गया, ठीक है। अच्छा टू और फाइव, ए इंटरसेक्शन बी में हो गया अपना टू और फाइव। अब ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा वो देख लेते हैं। ए में है और सी में भी है, ए में है फोर और फाइव, फोर और फाइव जो है वो ए में भी है और सी में भी है, फोर और फाइव। ठीक है, सो इनका अगर मैं सिमेट्री डिफरेंस लिखूं, इनका अगर मैं डिफरेंस लिखता हूं, तो इस सेट और इस सेट का ऐसा एलिमेंट्स जो कि एक ही में हो, तो ये इधर से टू, ठीक है। ये ब्रेसेस आप ठीक से देना जल्दी जल्दी में मेरा थोड़ा सा, टू और इधर से आपका आ गया फोर, क्योंकि फाइव कॉमन है। तो आप देखो ये दोनों सेम हो गया ना, इक्वल सेट्स, ठीक है, समझ में आ रहा। जहां आपको थोड़ा लगे स्पीड थोड़ा बैक करके आप देख लेना, ठीक है। अच्छा ये बताना है आपको, ये आपको कमेंट में बताना है ये नल सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको लगता है कि ये नल सेट है तो आप यस लिखोगे, ठीक है, या नल सेट लिख देना क्वेश्चन नंबर 17 लिख के कमेंट में। या फिर ये अगर नल सेट नहीं लगता है आपको तो लिखना नॉट अ नल सेट, ठीक है। ये अगर नल सेट लगता है तो नल सेट, नहीं है तो नॉट अ नल सेट लिख देना। अच्छा तो अब हम थोड़ा अपने एंड की तरफ ही है। अभी तक हमने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, धीरे धीरे सीखें। सो यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये लास्ट दो पोर्शन है, करना है हमें कम्प्लीट। एक दो क्वेश्चन देखना है उस पर, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और देखना है, ठीक है। इसके बाद का बचा हुआ पार्ट्स हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल द सेट्स बीइंग डिस्कस्ड इन पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। देखो यूनिवर्सल सेट देख के ये मत समझ लेना कि दुनिया का सारा चीज़ है,
ये तो बड़ा बड़ा वो किताब वाला लैंग्वेज में हम जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं कि दुनिया का सारा चीज़। अब एक बात नॉर्मल सा सोचो, अभी कोविड सिचुएशन है, अभी आप लॉकडाउन पे घर पे हो, हर आदमी के लिए लॉकडाउन एक जैसा नहीं है। अभी आप गेम खेल के इंस्टाग्राम का रील बना के अपना टाइम पास कर रहे हो, ठीक इसी टाइम पे कोई आदमी बैठ के सोच रहा होगा कि कोई दूसरा अगर ला के मेरे यहाँ खाने का पैकेट दे दे तो मैं आज खा पाऊँगा, वरना भूखा सोना है। ठीक है, कोई आदमी ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, तो कोई बिना मास्क के घूम रहा है। हर किसी का जिंदगी अपने अपने तरह का है। ठीक है, हर किसी का यूनिवर्स भी अलग अलग है। यूनिवर्स एक ही है लेकिन हर किसी के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है ना, सो यूनिवर्सल सेट भी हर सेट के लिए अपना होता है। अगर मैं अल्फाबेट्स के मान लो वॉवेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सारा अल्फ़ाबेट अगर इंग्लिश का ले लूँ तो वो है यूनिवर्सल सेट। अगर मैं 5-10 ऐसे सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट के ही सारे सबसेट्स होते हैं, सो 5-10 नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ले लूँ, तो इसका क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ये कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बोल देता हूँ होल नंबर, हाँ अगर मैं बोलता हूँ ऐसा 0, 1, 2, 3 तो ये क्या है 4 होल नंबर्स हमने लिया, तो सारा होल नंबर जो है वो अपना यूनिवर्सल सेट। सो इसको अगर हम ठीक से पढ़े, ऑल द सेट्स बीइंग डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इन अ सेट थ्योरी आर कंसीडर्ड टू बी सबसेट ऑफ अ फिफ्थ सेट। ये सारा सेट क्या है? सबसेट है एक फिफ्थ सेट का। ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है होल नंबर का। अगर मैंने ये लिखा ए ई आई ओ यू, तो ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का। तो वो फिफ्थ सेट जिसका हर सेट जो है एक फिफ्थ सेट का सबसेट है, तो वो जो फिफ्थ सेट है ना, उसी को, वो जो फिफ्थ सेट है उसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसी को बोलेंगे उस सेट का यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद बस एक चीज समझना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की नॉट ए, ये भी बोल सकते हो सेट ए नॉट ए, जो कि ए में नहीं होगा वही है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए बार ए डैश से भी दिखाते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं नॉट ए। ठीक है, नेगेटिव समझ सकते हो नॉट ए, ठीक है, जिसमें ए ना हो। ठीक है ना, तो अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो प्रोवाइडेड, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ये प्रोवाइडेड है। तो ए अगर एक सेट लेना हो, तो ए तो सेट है, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10 सो ए कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ए, जो कि ए में नहीं हो, सिंपली इसको ऐसा लिख लो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यही ना बात था, यू माइनस ए, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या था? डिफरेंस ऑफ टू सेट था। ए माइनस बी कैसे लेते थे? ए माइनस बी लेते थे, ए का सारा एलिमेंट जो कि बी में ना हो। तो नॉट ए कैसा चाहिए हमको? नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए। वो सारा एलिमेंट जो ए में नहीं है वही हम लेंगे नॉट ए में, वो सारा एलिमेंट जो ए में नहीं है वही लेंगे नॉट ए में। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? वो सारा एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, या फिर हम उल्टा बोले यूनिवर्स में से ए का सारा एलिमेंट हटा दें, तो यूनिवर्स में से सारा एलिमेंट ए का हटा देते हैं ना भाई। सो ए वन, वन तो नहीं है ए में, लिख देते हैं। टू है, नहीं लिख सकते। थ्री नहीं है, लिख देते हैं। फोर ना, फोर है। फाइव नहीं है। सिक्स यहाँ है, एट यहाँ है, टेन यहाँ है। सो ये देखो, ये सारा इवन नंबर का था, तो ये क्या आया? सारा ऑड नंबर। इवन नंबर का सेट अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नंबर का सेट। ये भी समझ में आ गया, इफ ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स देन ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ देखो, यहाँ मैंने सारा प्राइम नंबर ले रखा है 2, 3, 5, 7 सो ये सारा प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर अगर है तो इनका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो सारा कॉम्पोजिट नंबर्स आएगा, ठीक है, और वन आएगा, ठीक है, क्योंकि वन भी प्राइम नहीं होता। सो यहाँ आ गया वन, वन के बाद क्या है? वन के बाद 2, 3, 5 तो नहीं आएगा, फोर है, फोर सिक्स
इसके बाद का 4, 6, 8, 9, 10 सो 1, 4, 6, 8, 9, 10 ना ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दिस इज नथिंग बट ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार, सो ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार. सो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 1, 1. इसके बाद का कॉमन है क्या कुछ, 9 है कॉमन, 9 है, 1 के बाद सीधा 9 है, ठीक है, 1 आया और 9, और कुछ कॉमन पार्ट है, नहीं है. अब जरा ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो रहा है वो देखना है. तो ए का सारा एलिमेंट तो पहले लिख ही देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10. अब बी में क्या बचा, 2 आ चुका ऑलरेडी, 3, 5 और 7. अब देखो आप, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, नॉट ए, सीधा ये भी कैसे आया था, यू माइनस बी, ये कैसे आएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी. सो यू में तो 1 से लेके 10 तक था, यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है तो 1 ले लेंगे, 4, 6, 8, 3, 10, 3, 5, 7 सब आ रहा है, क्या नहीं है, 9 नहीं है. सो 1, 9 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है 1, 9, और यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी 1, 9 है, यानी ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना. आगे हम लोग ये एक रिलेशन भी है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखेंगे, वेन डायग्राम सीखेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी देखेंगे, वो सारा चीज़ में ये सब आएगा, ठीक है, ये एक ये लॉ है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, उसी का एक पार्ट है, ठीक है ना. आगे अब बस लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट दिया. बहुत बार ऐसा काम किया जाता है, क्वेश्चन में दिया रहता है यूनिवर्सल सेट, यहाँ देखो आपको निकालना है ए डिफरेंस बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ आपको इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, आपको लगता है अरे यूनियन दिया हुआ है, सॉरी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो कोई ना कोई ज़रूरत तो होगा, उसको सोचने में 5 मिनट चला जाता है. यूनिवर्सल सेट है तो कोई ना कोई ज़रूरत होगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत है ही नहीं. यूनिवर्सल सेट कब चाहिए, जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कमॉन, यूनिवर्सल सेट कब चाहिए, यूनिवर्सल सेट कब चाहिए, जब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ही यूनिवर्सल सेट चाहिए. और क्यों, क्या होता है उससे, हमें यू माइनस ए से मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है. यू माइनस ए क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या था, एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी, यहाँ के लिए एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए, ठीक है. तो अब यहाँ से अभी डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस तो अब हम सीख ही गए हैं, सिमेट्री डिफरेंस आप ऐसा डायरेक्ट मत निकालना, आप ए माइनस बी, बी माइनस ए और उसके यूनियन से, ठीक है. एग्जाम के लिए ऐसा एलिमेंट जो किसी एक में हो, जैसे 4 वो किसी एक में है, ठीक है, पहले तो यहाँ से ले लेते हैं 4. 6 बी में नहीं है तो 6 ले लेते हैं, 8 भी बी में नहीं है तो 8 ले लिया, 10 भी बी में नहीं है तो ले लिया, अच्छा 2 वहाँ चला गया, 3, 5 और 7, ये सारा एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, ये सारा एलिमेंट ऐसा हो गया जो किसी एक में ही है, तो ये आ गया सिमेट्री डिफरेंस में. अब करना क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 पहला तो सारा लिख देना है, उसके बाद बचा हुआ जो भी है 3, 5, 7, ठीक है. अब इसका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन 2, बस 2 इसमें दोनों में है तो इंटरसेक्शन है 2. अब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या है, बस ये 2 हट जाएगा, 4, 6, 8,
टेन थ्री फाइव सेवन, ये सेट और ये सेट सेम है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ लो सिमेट्री डिफरेंस, मैंने क्या बोला था, किसी एक में आए, यूनियन में क्या आ जाता है, आइदर ए और बी और बोथ, लेकिन हमको क्या चाहिए था, या तो बस ए में हो या तो बस बी में हो, हमने क्या किया, इंटरसेक्शन पार्ट घटा दिया, सिंपल सा बात है ना, या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, तो ए यूनियन बी तो लिया तो दोनों वाला भी आ गया, तो वो दोनों वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने ये डिफरेंस कर दिया उसका, ठीक है, रिमूव कर दिया, ठीक है ना। अब आ जाइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए यूनियन दिस सेट, देखो अगर ए यूनियन ये दिया और स्मॉलेस्ट लिखा हो ना, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये कम से डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है, ए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिसजॉइंट सेट होगा, तो वन और टू ए में ना हो तो भी ये मेरा ए यूनियन बी में आ जाएगा, तो ये दोनों हटाने के बाद जो बचे ना वही ले लो ए, ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट सेट। अगर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट सेट बोला होता है, स्मॉलेस्ट नंबर्स के हिसाब से नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट बोला रहता तो लार्जेस्ट में हम क्या देखते हैं कि ये लार्जेस्ट अगर बोलता तो ये पूरा ही, ठीक है, ठीक है। तो अगर ए ए और एक सेट है ए और बी, और ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो ए का अगर स्मॉलेस्ट लेना हो तो ए बी को डिसजॉइंट कर देना, ठीक है, ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। और अगर ए लार्जेस्ट चाहिए तो ये सेकेंड वाला जो सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलो सो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं, बहुत सारा चीज पढ़ लिया। सो सेट का डेफिनेशन पढ़ा हमने, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, डिफाइंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, रूल, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या क्या सेट होता है क्या नहीं होता है वो देखा, तो सिंबल्स देखे, सिंबल्स देखने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, टेबुलर मेथड में एक एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में बस वो रूल लिखा जाता है, वो जो वेल डिफाइंड है ना, क्या डिफाइंड किया गया है वैसे लिखा जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस तो देखे, आज 20 क्वेश्चंस दे दिए हमने, उसमें भी कुछ पार्ट्स था, बहुत सही है। सो टाइप्स ऑफ सेट्स देखा, नल सेट, एलिमेंट एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, वो ऐसा सेट जो खाली हो, सेट में कुछ हो ना, ठीक है, उसको फाई से भी दिखाते हैं। सिंगल टोन सेट जिसका एक ही एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब दो ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, दो या दो से ज़्यादा सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स जिसके सारे एलिमेंट्स सेम हो। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन देखा हमने, सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का कोई एलिमेंट है तो उसे बी का एलिमेंट भी होना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या था, प्रॉपर सबसेट था कि ए का कोई भी सारा एलिमेंट तो बी में है, बट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, और ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है, ठीक है। पावर सेट क्या था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था, 2 to the power n, सारा सबसेट को एक एलिमेंट जैसा समझ के दूसरे सेट के अंदर रख देना, ये था अपना पावर सेट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन क्या था, दो का यूनियन क्या, इधर ए और बी और बोथ, यानी एटलीस्ट किसी एक में हो तो वो आ जाए, इंटरसेक्शन मतलब बोथ ए एंड बी दोनों में हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट्स एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, ए माइनस बी फर्स्ट सेट में हो बट सेकेंड सेट में ना हो, ठीक है। सिमेट्री डिफरेंस मतलब किसी एक में ही हो। यूनिवर्सल सेट, हर सेट के लिए अपना एक सेट, हर सेट किसी एक फिफ्थ सेट का सबसेट होता है, और उस फिफ्थ सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या बोलेंगे, द सेट यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, और एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, ठीक है, एलिमेंट द सेट, ठीक है, हुज एलिमेंट आर नॉट इन ए बट इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और नॉट ए लिख देते हैं तो भी। ये डी मॉर्गन्स लॉ का हमने एग्जांपल्स दे दिया था और फिर क्वेश्चन देखा। इसके बाद आने वाले वीडियो में अभी हम वेन डायग्राम देखने वाले हैं, कार्डिनल नंबर्स ये प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखना है, लॉ ऑफ अलजेब्रा देखना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट रह गया हो ना इस टॉपिक से, कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो,
यूनियन इंटरसेक्शन जितनी चीज़ें मैंने बोली हो उसमें अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही।